वेलकम बैक दोस्तों, इसके मोटरवाल चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं आपसे बात करने वाला हूँ हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल के कुछ अच्छाइयों के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं इसके कुछ एडवांटेजेस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जो आप हीरो पैशन प्रो खरीदते समय आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप गाड़ियों के रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल इसके मोटरवाल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल का, वो है इसके लुक्स, जिसे कंपनी ने पूरी तरह से चेंज कर दिए हैं, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एट्रेक्टिव लुक वाला बाइक बन जाता है, जिससे कि आपको महसूस होगा कि जैसे आप कोई 125 सीसी बाइक चला रहे हैं, ना कि 110 सीसी, जो कि मुझे पहला एडवांटेज लगा हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल का। अब आते हैं हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल के दूसरे एडवांटेज पर, जो कि है इसका पिकअप एंड एक्सेलरेशन। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि इस हीरो पैशन प्रो में आपको पूरा नया इंजन देखने को मिलता है, 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर टू वॉल्व फ्यूल इंजेक्टेड B6 कॉम्प्लेंट, जो कि आपको 9.3 bhp का पावर देता है @7500 rpm पर और 9 Nm का टॉर्क देता है @5500 rpm पर, जो कि BS4 वाले पैशन प्रो से कंपेयर करें तो BS6 पैशन प्रो में आपको 9% ज़्यादा पावर और 22% ज़्यादा टॉर्क देता है, क्योंकि BS4 पैशन प्रो आपको 8.2 bhp का पावर देता था @8000 rpm पर और 8.0 Nm का टॉर्क देता था 5000 rpm पर, जिसके वजह से इसका पिकअप और एक्सेलरेशन काफ़ी इंप्रूव हो गया है, जो कि मुझे दूसरा एडवांटेज लगा हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल का। अब बात करें हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल के तीसरे एडवांटेज की, जो कि है इसका सस्पेंशन। तो इसके सस्पेंशन पहले ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, तो जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है उसे पहले से 14% ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब कि सस्पेंशन का जो ट्रैवल होता है उसे 14% बढ़ा दिया गया है, और इसके रियर सस्पेंशन में आपको 10% ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से आपको इजीली छोटे मोटे गड्ढे पते नहीं चल पाएंगे, जो कि मुझे तीसरा एडवांटेज लगा हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल का। तो जो चौथा एडवांटेज है इस हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल का, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 15 mm से बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 165 mm का ही आता था, और अब आपको इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिसके साथ आप अपने गाड़ी को कहीं भी बेफिक्र होकर ले जा सकते हैं, जो कि मुझे चौथा एडवांटेज लगा इस हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल का। तो अब बात करें पैशन प्रो B6 मॉडल के पांचवा एडवांटेज के बारे में, वो है इसका माइलेज। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पहले आपको कार्बोरेटर सिस्टम मिलता था फ्यूल डिलीवरी के लिए, पर अब आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है फ्यूल डिलीवरी के लिए, जिसके वजह से आपको 10% ज़्यादा माइलेज मिल सकेगा BS4 पैशन प्रो के कंपैरिजन में, क्योंकि BS4 पैशन प्रो में आपको 60 kmpl का माइलेज मिलता था, पर अब आपको इसमें 65 से 70 kmpl का माइलेज मिल सकेगा, जो कि मुझे पांचवा एडवांटेज लगा हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल का। तो जो छठा एडवांटेज है इस हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल का, वो है इसका सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट और रीसेल वैल्यू। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरो का शोरूम हर जगह अवेलेबल होता है, और इसका स्पेयर पार्ट भी काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है और काफ़ी सस्ते दाम पर भी मिल जाता है, और इस बाइक की रीसेल वैल्यू की बात ही नहीं है, क्योंकि इसे बेचते समय यह आपको काफ़ी अच्छा दाम दिलाकर जाती है, जो कि मुझे छठा एडवांटेज लगा इस हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल का। तो अब आते हैं हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल के सातवें एडवांटेज के ऊपर, जो कि है इसका मीटर। तो दोस्तों इसका मीटर काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिया गया है BS4 पैशन प्रो के कंपैरिजन में देखा जाए तो, और काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शो करती है, जैसे कि इंस्टेंट माइलेज, सर्विस डिव इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शनिंग लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, I3S इंडिकेटर, जो कि मुझे सातवां एडवांटेज लगा इस हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल का। तो जो आठवां एडवांटेज है इस हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल का, वो है इसका साइड स्टैंड कट ऑफ फंक्शन, जो कि BS4 पैशन प्रो में देखने को नहीं आता था, जो कि एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर माना जाता है, जो कि बाइक के इंजन को स्टार्ट नहीं होने देता है अगर आपका साइड स्टैंड लगा है तो, जिसके कारण बहुत सारे रोड एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, जो कि मुझे आठवां एडवांटेज लगा इस हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल का। अब बात कर लेते हैं पैशन प्रो B6 मॉडल के आखिरी एडवांटेज के बारे में, तो वो है इसका ऑटो सेल टेक्नोलॉजी, जो कि आपको B4 पैशन प्रो में देखने को नहीं मिलता था, जो कि आपको ट्रैफिक राइडिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जैसे कि अगर आप ट्रैफिक में खड़े हैं तो आप बिना एक्सेलरेट किए ही सिर्फ क्लच को रिलीज करके आगे बढ़ सकते हैं, जो कि मुझे आखिरी एडवांटेज लगा इस हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल का। तो यही थे कुछ अच्छाई है हीरो पैशन प्रो B6 मॉडल के। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड।